ஆளுமைமிக்க அரசியல்வாதியாக பியூர் பாலிடிக்ஸ் பயிற்சி பட்டறை நேரடி இணைய வழி வகுப்புகள் அட்மிஷன் க்ளோசஸ் ஆன் ஆகஸ்ட் 30th உங்கள் சீட்டிற்கு முந்துங்கள் 7338-24242 धन्यवाद। नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक भी हुई, सीसीए की बैठक भी हुई और जैसा आप सबको ज्ञात है, भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि चंद्रयान मिशन 3 की सफलता के, जहां देश और दुनिया भर में भारत का स्पेस सेक्टर में एक बड़ा नाम, ये कह सकते हैं कि नए भारत की नई पहचान, नई उड़ान, नए भारत की नई छलांग, ये स्पेस सेक्टर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और स्पेस सेक्टर में इस उपलब्धि पर समस्त कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपनी खुशी प्रकट की और एक कैबिनेट नोट, जो कैबिनेट प्रस्ताव उसमें पास हुआ है, मैं उसको आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पूरा देश चंद्रमा पर मिशन चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मना रहा है। केंद्रीय कैबिनेट भी इस खुशी में शामिल है। कैबिनेट हमारे वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करती है। ये सिर्फ हमारी स्पेस एजेंसी की ही सफलता नहीं है, बल्कि भारत की प्रगति और ग्लोबल स्टेज पर हमारी ताकत का प्रतीक है। कैबिनेट इस बात का स्वागत करती है कि अब 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। कैबिनेट इसरो के इस प्रयासों के लिए बहुत बहुत बधाई देती है। हमारे वैज्ञानिकों के निरंतर प्रयासों की वजह से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप उतरने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रमा पर उतरना, और वो भी पूर्व निर्धारित पैरामीटर्स पर पूरी तरह खरा उतरते हुए, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप उतरना इस भावना का प्रतीक है कि कैसे हमारे वैज्ञानिक ज्ञान की खोज के लिए हर सीमा के पार कर जाने के लिए तैयार रहते हैं। प्रज्ञान रोवर के द्वारा हमें जो जानकारियों का खजाना मिल रहा है, उसे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, नई खोज का मार्ग बनेगा और चंद्रमा के रहस्य को समझने और उसे भी पार जाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट का यह मानना है कि तेजी से बदलते तकनीक और इनोवेशन के दौर में हमारे वैज्ञानिक नॉलेज, डेडिकेशन और एक्सपर्टीज की मिसाल है। उनकी एनालिटिकल क्षमता, नई खोजों के प्रति उनका कमिटमेंट देश को साइंस के क्षेत्र में लगातार आगे ले जा रहा है। सबसे बेहतर करने की भावना, निरंतर नई खोज में लगे रहना, चुनौतियों से लड़ने की जीवटता से दुनिया भर में उनका सम्मान बढ़ा है। उनकी सफलता ने दूसरों को भी बड़ा सोचने और उसे साकार करने के लिए प्रेरित किया है। भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम में महिला वैज्ञानिकों की भूमिका है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कैबिनेट को गर्व है कि चंद्रयान 3 की सफलता में हमारी महिला वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये सफलता आने वाले वर्षों में भी हमारी महिला वैज्ञानिकों को प्रेरित करती रहेगी। कैबिनेट प्रधानमंत्री मोदी जी को इंडियन स्पेस प्रोग्राम के प्रति उनके विजन और उनकी लीडरशिप के लिए बधाई देती है। उनके नेतृत्व में इंडियन स्पेस प्रोग्राम पूरी मानवता के कल्याण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अटूट भरोसे ने हर बार हमारे वैज्ञानिकों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया है। पिछले 22 वर्षों के दौरान पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर उनका सभी मून मिशन से भावनात्मक लगाव रहा है।
पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब चंद्र मिशन की घोषणा की थी तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2008 में जब चंद्रयान वन का सफल प्रक्षेपण हुआ तो उन्होंने इसरो जाकर वहां के वैज्ञानिकों को बधाई दी। 2019 में जब चंद्रयान दो की मिशन अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाए तो प्रधानमंत्री जी की ओर से वैज्ञानिकों को दिए गए भावनात्मक संबल ने हमारे वैज्ञानिकों के हौसले को और मजबूत किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा ने हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रयान मिशन के लिए नई ऊर्जा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा साइंस और इनोवेशन को प्राथमिकता दी है। पिछले 9 वर्षों में देश में निरंतर ऐसे निर्णय लिए गए हैं, नीतियां बनाई गई हैं, जिन्होंने भारत में इनोवेशन और रिसर्च को आसान बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप्स और प्राइवेट कंपनियों को नए अवसर मिल सके। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जून 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत एक ऑटोनमस बॉडी के रूप में IN स्पेस की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य इंडस्ट्री, एकेडमिया और स्टार्टअप्स का एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना था जिससे भारत ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा सके। IN स्पेस अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का माध्यम बन चुका है। बेंगलुरु के इसरो सेंटर पर वैज्ञानिकों से बात करते हुए नेशनल हैकाथॉन का जो विचार माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है उसे सभी युवाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। कैबिनेट चंद्रयान मिशन से जुड़े 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स का नाम तिरंगा चंद्रयान 2 के पश्चिम जहां पड़े और शिव शक्ति चंद्रयान 3 जहां उतरा रखने का स्वागत भी करती है। ये नाम हमारे गौरवशाली इतिहास और आधुनिकता की भावना दोनों के अनुरूप है। ये सिर्फ 2 नाम ही नहीं बल्कि हमारे हजारों वर्ष पुरानी विरासत और आज के वैज्ञानिक आकांक्षाओं वाले भारत को एक सूत्र में पिरोती है। चंद्रयान 3 की सफलता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन जय विज्ञान जय अनुसंधान की भी सफलता है। इस सफलता से हमारे स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए स्पेस सेक्टर के नए रास्ते खुलने जा रहे हैं। इससे भारत के युवाओं के लिए आगे बढ़ने की असीम संभावनाएं तैयार हुई है। आने वाले वक्त में स्पेस सेक्टर नई इनोवेशंस का और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का माध्यम बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार फिर वासुदेव कुटुंबकम की भावना को सिद्ध किया है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद मिली जानकारियां पूरी मानव जाति खास करके ग्लोबल साउथ के लिए बेहद लाभकारी होगी। भारत में हो रहा विकास पूरी दुनिया के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। कैबिनेट का विश्वास है कि स्पेस सेक्टर में भारत की सफलता सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि से कहीं अधिक है। इसमें हमारी उन्नत सोच, आत्मनिर्भरता और ग्लोबल लीडरशिप के विजन का प्रतिबिंब है। ये उभरते हुए नए भारत, न्यू इंडिया का भी प्रतीक है। हम भारत के नागरिकों का आह्वान करते हैं कि वह इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं ताकि आने वाले वक्त में सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, मौसम विज्ञान से लेकर कृषि और डिजास्टर मैनेजमेंट तक के क्षेत्र में नए अवसर तैयार कर सकें। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे इनोवेशन का जमीन पर सीधा प्रभाव हो, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाए, हमारी डिजिटल इकोनॉमी को सशक्त करें और विभिन्न सेक्टर्स को क्रिटिकल डेटा मुहैया करवाएं। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के इस युग में कैबिनेट एजुकेशन वर्ल्ड के महानुभावों से अपील करती है कि वह देश के युवाओं को साइंस से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। चंद्रयान 3 की सफलता ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में युवाओं की रुचि को बढ़ाने का हमें एक बहुत बड़ा अवसर दे दिया है। युवा पीढ़ी में स्पेस और साइंस के क्षेत्र में
आकर्षण बढ़ने से हमारे देश की उन्नति के नए मौके बनेंगे। कैबिनेट चंद्रयान मिशन से जुड़े हुए हर व्यक्ति के योगदान की सराहना करती है। चंद्रयान 3 की सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारत अपने सामर्थ्य, अपने जज्बे और समर्पण के बल पर कुछ भी हासिल कर सकता है। कैबिनेट को विश्वास है कि चंद्रयान की सफलता के बाद जोश और गर्व से भरे हुए हमारे देश के लोग मिलकर 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प को जरूर साकार करेंगे। कोई सवाल पूछना है आप में से किसी ने? और भी जानकारी देनी है, इकट्ठे लेने क्वेश्चंस। ठीक, एक ओनम और रक्षाबंधन का त्योहार देश में जहां एक और खुशियों को सब और लाता है, हर परिवार में इसको धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं पर रक्षाबंधन के अवसर पर की पूर्व संध्या पर मैं जरूर कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री बने, एक के बाद दूसरा निर्णय महिला उत्थान के लिए, महिला विकास के लिए उनके सारे निर्णय रहे, और महिला नेतृत्व विकास की बात दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर भी और विश्व पटल पर भी रखी। अगर आप निर्णयों की गहराई में जाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या होती थी खुले में शौच करना, धुएं से जो लकड़ी जलाना, कोयला जलाना, धुएं से अपना शरीर खराब करना। तो पहले जहां एक और शौचालय बनाए, फिर रसोई गैस के सिलेंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लगभग 9,60,00,000 बहनों को दिए, फिर पानी लाने के लिए बहनों का बहुत लंबा समय दिन का चले जाता था, कई किलोमीटर जाना पड़ता था, कई घंटों कई जगह इंतजार करना पड़ता था, फिर स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान भारत लाए ताकि उनको उसका लाभ मिल सके। अगर आप एक महिला के जीवन में देखें, जो चुनौतियां थी, बहुत सारे कष्ट थे, समस्याएं थी, उनके समाधान के लिए 2014 से लेकर 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे कदम उठाए। उज्ज्वला सिलेंडर 3600 रुपए भारत सरकार खर्च करती है और लगभग 9,60,00,000 बहनों को बगैर कोई पैसा लिए उज्ज्वला सिलेंडर भी दिया और उनको कुकिंग गैस का एक सुविधा भी दी, धुएं से मुक्ति भी दी, स्वास्थ्य का लाभ भी दिया। 12,00,000 शौचालय बनाकर खुले में शौच करने से मुक्ति दी और इज्जत घर हमारी बहनों ने उसको नाम दिया। पानी की समस्या से दूर करने के लिए अब तक 13,00,000 घरों में नल से जल की सुविधा दी जा चुकी है, बहनों का समय उस पे भी बचा। 4,00,000 बहनों को अब तक परिवारों को पक्के मकान बनाकर दिए और लखपति दीदी 4,00,000 से ज्यादा बहनों को बनाने का कार्य हुआ। जब कोविड का समय आया तब भी 80,00,000 लोगों को जहां पर अनाज 2.5 साल तक बिल्कुल मुफ्त में दिया जरूरतमंदों को, वहीं पर 20,50,000,000 बहनों को 31,000,00,000 रुपए से ज्यादा उनके खाते में सीधा मदद के रूप में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। एलपीजी के सिलेंडर का रीफिल कोविड के टाइम पे उस समय मुफ्त में दिया। और आज जब ओनम और रक्षाबंधन का त्योहार है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75,00,000 बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे, उनको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, गैस कनेक्शन भी मुफ्त मिलेंगे, पहला सिलेंडर भी, पाइप भी, चूल्हा भी। ये देखिए बहुत बड़ी एक सुविधा मिलती है और मुझे पूर्ण विश्वास है
इससे उनको लाभ मिलेगा। दूसरी ओर अगर आप देखें, हमारी 60% निर्भरता इंपोर्ट पर रहती है गैस की। जब दुनिया भर में दाम बढ़े, अगर मैं सऊदी सीपी की बात करूं, अगर एलपीजी सिलेंडर को लेकर, तो 2020 से लेकर 2022 तक ये भी 303% की वृद्धि हुई। उस समय भी दुनिया भर में 303% की वृद्धि हुई, लेकिन हमने देश में केवल 63% की वृद्धि की। लेकिन आज ओनम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे, सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9.6 करोड़ उज्ज्वला गैस सिलेंडर, जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं, उसका दाम 200 रुपए कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये 75 लाख जो नए कनेक्शन और मिलेंगे, ये जो कुछ परिवार रह गए थे उनको भी, या कईयों के नए राशन कार्ड बनते हैं, कई नए परिवार, बेटे की शादी होगी तो नया परिवार बनता है, तो उनके लिए भी ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी। ये 75 लाख कनेक्शन मिलने के बाद लगभग 10.35 करोड़ उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 10.35 करोड़ तब हो जाएंगे। आप में से किसी का कोई सवाल है? सब्सिडी सबके लिए है, और उज्ज्वला कस्टमर्स के लिए पहले से 200 रुपए की सब्सिडी है, तो इफेक्टिवली उज्ज्वला कस्टमर्स के लिए 400 रुपए की सब्सिडी हुई और बाकी कस्टमर्स के लिए 200 रुपए की सब्सिडी हुई। जितने उपभोक्ता गैस के हैं, एलपीजी जो यूज करते हैं, डोमेस्टिक सिलेंडर इनके जो घरों में यूज होती है, उन सभी उपभोक्ताओं के लिए दाम 200 रुपए कम कर दिए गए हैं। उज्ज्वला गैस के जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, उनको भी 200 रुपए ये जो कम हुए उसका भी लाभ मिलेगा, और जो 200 रुपए सब्सिडी उनको मिलती रहती थी वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगी, तो उनको 400 रुपए का लाभ मिलेगा। ओके संतोष, बस सब क्लियर हो गया। लक्ष्मण, सर ये जो कटौती की गई है, 200 रुपए दाम घटाए गए हैं, ये सब्सिडी के तौर पर होगा? ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अपनी तरफ से कुछ वहन नहीं करना होगा? दूसरा, अगर सब्सिडी है तो सरकार के खजाने पे अतिरिक्त खर्च कितना आएगा इससे? देखिए, पहले भी जब आपने लक्ष्मण जी अच्छा सवाल पूछा, पीछे भी अगर देखिए, अप्रैल 2020 से अप्रैल 2022 तक अगर दुनिया भर में 3 गुना दाम हो गए थे, तब भी हमने यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बहनों पर उस तरह से महंगाई का बोझ नहीं पड़ने दिया। रसोई गैस के सिलेंडर के दाम उतने नहीं बढ़े जितने दुनिया भर में बढ़े थे, और उस समय भी जो गैस कंपनी या पेट्रोलियम कंपनीज हैं उनको सरकार ने अपनी ओर से मदद की थी। और इसमें भी मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गैस सिलेंडर सस्ता हुआ फिर एक बार राखी पर बहनों को मोदी सरकार का उपहार। चोपड़ा, वो देनी सरकार को ही होती है, आपको पता है लक्ष्मण जी। चोपड़ा, तो जितने यूज होंगे उसके कैलकुलेशन के हिसाब से। इफ यू कुड जस्ट टेल अस द टोटल कॉस्ट ऑन द स्टेट एक्सचेकर, यू नो, आफ्टर दिस सब्सिडी। देखिए, अगर मैं पुरानी बात करूं तो उसमें तो 21,000 करोड़ से ज्यादा शायद 2 वर्षों में देना पड़ा था। संबंधित विभाग आपको डिटेल जानकारी दे पाएगा, लेकिन उस समय दाम बहुत ज्यादा दुनिया भर में बढ़ गए थे। यहां पर राहत देने के लिए
ये मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि राखी के त्योहार पर, ओणम के पर्व पर देश की करोड़ों बहनों को एक तोहफे के रूप में ये दिया गया है, ताकि सभी बहनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी आए और उनके परिवारों को मदद भी मिल सके। ये 200 रुपया देश के 33 करोड़ उपभोक्ताओं के, जो LPG डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं। राज जी, ऑल्सो द पॉइंट ऑल्सो हैज बीन दैट द एलपीजी प्राइस वाज सीन एज वेरी हाई एट ₹1100. Two state elections of Karnataka as well as Himachal Pradesh, you know, it was seen as a big factor. Does this move also has political import, because you are now heading to 4 more state elections? Not really. If you look at that, we would have done it much earlier. But even during that time, whatever the global conditions were, as I said earlier, if you look at the Saudi CP prices at that time, from April 20 to 2022, it went up to 303%. But even at that time, we gave some relief to the users or the beneficiaries, where only 63% hike was done. Rest, the government of India compensated even during at that time. So it has got nothing to do with any elections, but this is all got to do with the relief measures taken and the benefits to be given to the 33 crore users. Shashir. So when this decision is going to be implemented? आज से ही मतलब आज जो बुकिंग कराए तो वो 200 सस्ता मिलेगा? कल खाली है घर में सिलेंडर, तभी पूछा। अभी कैंसिल करा दिया। अगर वित्तीय वर्ष 2023-24 का देखोगे तो लगभग 7,680 करोड़ रुपए इसका प्रभाव पड़ेगा। शर्मा, 7,680 करोड़ में भी द financial implication for sir, the financial year 2023-2024. सर, मेरा सवाल है आपसे, ये जो आपने आज जो राहत दी है एलपीजी सिलेंडर पे, लेकिन इसके साथ ही साथ जहां जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं, धन्यवाद करना है सर, धन्यवाद तो ही, उसके साथ ही जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां पे 500-500 में सिलेंडर देने की घोषणाएं कर रही हैं अपोजिशन पार्टियां, तो क्या उससे भी जोड़ के इस निर्णय को देखा जाए या आगे कुछ? मैंने पहले उस बात का उत्तर दे दिया, आगे भी राहत मिलेगी। ये ओणम और रक्षाबंधन के अवसर पर एक बड़ा तोहफा देश की करोड़ों बहनों के लिए, और ये कोई एक वर्ग के लिए नहीं, सभी बहनों के लिए, 33 करोड़ ऐसे उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपया प्रति सिलेंडर दाम कम करने का एक बहुत बड़ा निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। सर, प्रशांत हूँ NDTV से। सर, एक चीज केवल साफ करना चाहता हूँ करना, कि सिलेंडर के दाम कम हुए हैं या दाम पूरा देना होगा जैसे पहले होता था, सब्सिडी बैंक में आएगी? चलिए आगे, 262 और जस्ट ब्रेक। सर, हमें सकार न्यूज़पेपर से बोल रहा हूँ, ये जो सब्सिडी दी है सिर्फ एक सिलेंडर के लिए है कि आगे भी ये चालू रहेगी? ये दाम ही कम किए हैं। रविंदर माइक नहीं कुछ तो। सर, ये तो गैस सिलेंडर की बात हुई है, सभी को राहत मिली, बड़ी बड़ा फैसला। जो PNG वाले हैं, जो पाइपलाइन गैस वाले हैं, इसमें अधिकतर लोग हैं, आप भी हैं, उनको कितना फायदा होगा, कब होगा सर? किसको लाभ होगा? अच्छा। गैस समय पे पहुंच रही है, सस्ती हुई है, तो दाम यहाँ पे भी कम हुए सिलेंडर पे, गैस वालों का पाइप, अब पाइप के लिए आपकी चिंता ज्यादा है। पॉल में से सब पाइप वाले। Thank you, and now we request you to join us over a cup of tea on the fourth floor cafeteria.